नमस्कार दोस्तों, एक बेहतरीन शेयर के बारे में आज बात करेंगे जो कि स्टील सेक्टर का शेयर है और जिसका प्राइस जो है 1413 रुपये का है। अगर फाइव देखिए, पैसा तो कहीं पे भी लगा दो लेकिन एक अच्छी जगह पैसा लगाने के बाद ही कुछ और होती है। एक अच्छी जगह पैसा लगाएंगे तो उसका अच्छा हमें प्रॉफिट होगा और जो कि हमारे ही नहीं हमारे परिवार के काम आएगा और हमारे परिवार को ग्रोथ करने में भी मदद करेगा। इसलिए एक अच्छी जगह पैसा लगाना बहुत ही बढ़िया रहता है और एक गलत जगह पैसा लग जाए तो वो घाटे में चला जाता है, तो जिसकी वजह से हमें तनाव भी हो सकता है और मानसिक परेशानी भी हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं इस शेयर की जो कि 1413 रुपये पे चल रहा है। और बंडे की बात करी जाए तो देखिए, बंडे में इसने दिखाया ये 1437 से 37.35 से गिरकर 1434.30 पे आ गया है। और अगर 5 डे की बात करी जाए तो 5 डे में देखिए 1315 रुपये पे था और इसने 5 डे में ही देखिए करीब लगभग 98 रुपये का इसने रिटर्न दिया है। 7.42% का रिटर्न दिया है पिछले 5 दिन में। और अगर 1 मंथ की बात करी जाए तो 1 मंथ में देखिए 1156 रुपये पे था और 22.14% का 1 महीने में इसने अच्छा रिटर्न दिया है। और देखिए 6 मंथ की बात करी जाए तो 6 महीने पहले 653.15 रुपये पे ये शेयर था और जिसने कि 116.34% का अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में। अगर 1 साल की बात करी जाए तो देखिए 1 साल का क्या रहा है, 373.50 पैसे का शेयर था, इतने नहीं सॉरी 373.50 का शेयर था और जो कि 278.31% का अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। अगर देखिए इसके 5 साल का या टोटल इसके जो है टोटल टाइम का अगर बात करी जाए तो 1933% का ऑल टाइम इसने रिटर्न दिया है। बहुत ही अच्छा शेयर, बहुत ही बढ़िया शेयर जो कि आपका पैसा दिन पे दिन बढ़ाएगा और उसने दिन पे दिन बढ़ाया भी है। देखिए कहीं करीब ये 2008 में नीचे गया था लेकिन उसके बाद में फिर कभी नीचे गया हल्का सा, ये 2015 में फिर उसके बाद से ये उठाई उठा है और आज देखिए 1900% का रिटर्न दिख आपके सामने है। तो एक अच्छी जगह पैसा लगाएंगे तो अच्छा आपको पैसा देगा भी और आपके जो है ग्रोथ करेगा। चलिए इसके और इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करें, मार्केट कैप की बात करें तो 1,59,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पीयू रेशियो की बात करें तो 22.24 का 16 का पीयू रेशियो है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड है 1.77% का। अगर कंपनी के प्रीवियस क्लोज की बात करी जाए तो 1434.30 का था, ओपन की बात करी जाए तो 1446 का था, बिड प्राइस 0 रही और ऑफर प्राइस 1410.05 मतलब 2,20,156
रही। डे हाई और लो की बात की जाए तो कितना रहा है, 1447 हाई रहा, 1405 लो रहा, और 52 वीक की बात करी जाए तो 52 वीक का क्या रहा। देखिए 52 वीक का आपको दिखाएं तो 52 वीक का है 342.75 से 1481.8 का 52 वीक का रहा। ये 342 से लो था और 1481 हाई रहा 52 वीक में। और वॉल्यूम ट्रेड की बात करी जाए तो 97,968.92 पर का रहा है वॉल्यूम ट्रेड। और वो वैल्यू ट्रेड की बात करी जाए तो 1385.82 का वॉल्यूम ट्रेड करोड़ में है। पी रेशियो की बात करी जाए 12.48 का पी रेशियो है। मार्केट कैप की बात करी जाए तो 9,768.92 का है। अगर मार्केट कैप की बात करी जाए तो 169,774 करोड़ का मार्केट कैप है। एक बहुत अच्छा मार्केट कैप है, जो कि मीडियम ये हाई कैप में आता है। और ये देखिए, पैसा तो कहीं पे भी लगा दो, पैसा लगाने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन पैसा एक अच्छी जगह लगाया जाए तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे, अच्छे आपको प्रॉफिट होगा। तो पैसा वहीं लगाना चाहिए जहां प्रॉफिट हो, अच्छे रिटर्न मिले। देखिए इसका जो कि मार्केट कैप है बहुत अच्छा है। अगर टाटा स्टील फाइनेंशियल समरी की बात करी जाए तो फाइनेंशियल समरी क्या कहती है आपको दिखाते हैं कि फाइनेंशियल समरी कितनी किस तरीके की है इसकी। चलिए अगर कंपनी के शेयर कैपिटल की बात करी जाए तो 19,726 मिलियन का 2021 का है, मार्च 2021 का, और 34,199 मिलियन मार्च 2020 का है। अगर टोटल लायबिलिटी की बात करी जाए तो 24,39,091 मिलियन की लायबिलिटीज 2021 में हैं। और 2020 की बात करी जाए तो 24,91,491 मिलियन की लायबिलिटीज 2020 में हैं। अगर टोटल असेट्स की बात करी जाए तो टोटल असेट्स कितने हैं, 24,39,091 मिलियन के टोटल असेट्स हैं, असेट्स जो कि मार्च 2021 में हैं। और 24,91,491 मिलियन के टोटल असेट्स 2020 में थे। तो ये सब में जानना ज़रूरी होता है कि हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं और कैसी किस तरीके से हमारा पैसा ग्रो करेगा। ये अगर इसको ध्यान में रख के अगर पैसा लगाया जाए तो एक अच्छा हम पैसा बनाने की तरफ बढ़ेंगे। और अगर इसको नज़रअंदाज कर दिया तो हम जो है पैसा डुबाने की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको आगे चलते हैं। देखिए ग्रोथ सेल्स की बात करी जाए तो 15,65,940 के मिलियन की ग्रॉस सेल रही है मार्च 2021 में। और मार्च 2020 की बात करी जाए तो 14,89,720 की मिलियन की सेल मार्च 2020 में रही, जो कि बहुत सेल के मामले में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। नेट सेल रही है 15,62,940
मार्च 2021 में और 14,59,720 की मार्च 2020 में नेट सेल रही। टोटल एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो 12,57,900 का एक्सपेंडिचर रहा, जो कि बहुत ज़्यादा रहा है मार्च 2021 में। और मार्च 2020 में 13,11,500 का मिलियन का मार्च 2020 में रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी जाए तो 3,14,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ मार्च 2020 में और 21 में, सॉरी मार्च 2020 में 1,96,500 का प्रॉफिट जो है आपका मार्च 2020 में हुआ है। जो टैक्स के बाद प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है आपको बताएं तो, टैक्स के बाद हमारा प्रॉफिट हुआ है 78,620 मिलियन का। और ये तो रहा मार्च 2021 का, और मार्च 2020 की बात करी जाए तो 9,840 मिलियन का मार्च 2020 में यह टैक्स के बाद जो है प्रॉफिट रहा है। अगर टाटा स्टील के शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो शेयर होल्डिंग क्या कहती है टाटा स्टील की, देखिए प्रमोटर के पास रहा है 34.41% का, नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 23.43% का, म्यूचुअल फंड के पास और म्यूचुअल फंड ऑब्लिक यूटीआई के पास रहा है 11.3% का, एफआई बैंक्स और इंश्योरेंस के पास 7.97% का, गवर्नमेंट के पास 0.1 का, फिल के पास 0 का। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है कंपनी का, प्रमोटर्स के पास 34.41% की हिस्सेदारी है जो कि बहुत अच्छी है। कंपनी कब से शेयर मार्केट में काम कर रही है, 1907 से कंपनी ये जो है इनकॉर्पोरेट क्षेत्र में है, मतलब कि जो 1900 जन्म जो कंपनी का हुआ है वो 1907 में हुआ था। और जो इसका कैपिटलाइजेशन जो है 1,69,774 करोड़ का जो है मार्केट कैप है। अच्छा, 6,48,690 करोड़ की इसकी सेल हुई है, ग्रोस सेल, और टोटल इनकम इसकी हुई है 6,55,068 करोड़ की सेल हुई है। तो सेल भी बहुत अच्छी है, इनकम भी बहुत अच्छी है, इसमें पैसा लगाना बहुत अच्छा रहेगा और फायदा ही फायदा देगा, जो भी पैसा लगाएगा मतलब माला माल होना है। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, आपको फिर एक बार फिर बता दें कि सेल जो, देखिए सेल ये है, इनकम ये है आपकी, और जो जन्म हुआ कंपनी का यहाँ हुआ। चलते हैं और फिर एक अच्छे शेयर के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।